CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला विज्ञान गीत। साथियों, आप सोचते होंगे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, भाई ये तो करनी ही है। लेकिन जब थकान हो जाती है तो मन नहीं करता पढ़ने का। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ और हो जाए, जैसे गीत, संगीत या कुछ और? लेकिन यहाँ एक समस्या है कि यदि गीत, संगीत या कुछ और किया जाए तो पढ़ने का समय कब निकाला जाए? भाई समस्या तो बड़ी है, तो क्या किया जाए? ऐसा क्यों न किया जाए कि पढ़ाई भी हो जाए और मनोरंजन भी, है ना? हाँ, ख्याल तो अच्छा है। अब आप असमंजस में होंगे कि पढ़ाई और मनोरंजन वो भी एक साथ। हाँ, ये कैसे संभव है? संभव है भाई, संभव है। तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये कार्यक्रम धातुओं से पहचान। पहचान करें हम कैसे, कौन सी है धातुएं? पहचान करें हम कैसे, कौन सी है धातुएं? अपने चारों ओर देखो, अपने चारों ओर, अपने चारों ओर देखो, अपने चारों सलेटी, कोई लाल, कोई पीली धातुएं। रंग अनोखे इनके देखो कैसे दिखती हैं। कोई सलेटी, कोई लाल, कोई पीली धातुएं। जिंक सलेटी, तांबा लाल, सोना पीला, ऐसी है धातुएं। ठोस, द्रव या गैस, किस अवस्था में है धातुएं? सच बताएं तो ज्यादातर ठोस अवस्था में है धातुएं। चमक से देखो कैसी निखरी है ये धातुएं। पहचान करें हम कैसे, कौन सी है धातुएं? पहचान करें हम कैसे, कौन सी है धातुएं? अपने चारों ओर देखो, अपने चारों ओर, अपने चारों ओर देखो, अपने चारों। धात्विक चमक के कारण ही सराही जाती है धातुएं। तन्यता के गुण को समेटे हुए है धातुएं, तभी तो तारों के जंजाल को बना पाती है धातुएं। आघात वर्धनीयता है जिनकी पहचान, वही है धातुएं। चादरों में फैली छटा जिनकी, खूबसूरत है धातुएं। अपने चारों
दो से भी जोड़े हुए हैं धातुएं। इन दोनों के प्रवाह को झेलती है धातुएं। और पहचान क्या कराएं, गुणों की खान है ये धातुएं। हमारे जीवन को सुगम व सरल बनाती ये धातुएं। अपने चारों ओर देखो, अपने चारों पहचान करे हम कैसे कौन सी है धातुएं। पहचान करे हम कैसे कौन सी है धातुएं। अपने चारों ओर देखो, अपने चारों ओर, अपने चारों ओर देखो, अपने चारों ओर, अपने चारों ओर देखो, अपने चारों ओर, अपने चारों साथियों, आप अपने आसपास अनेक धातुएं एवं उनसे बनी वस्तुएं देखते हैं। इस गीत के माध्यम से आप जान चुके होंगे कि धातुओं के कुछ गुणधर्म होते हैं। जैसे धातुएं दिखने में चमकदार होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं एवं आघात वर्धनीय व तन्य होती हैं। और हाँ, कुछ धातुएं रंगीन भी होती हैं। तो साथियों, इस गीत में आपको कुछ शब्द कठिन लगे होंगे, जैसे आघात वर्धनीयता व तन्यता। तो क्या आप इनका अर्थ नहीं जानना चाहेंगे? आघात वर्धनीयता यानी जिसे पीट कर मन चाहे आकार में बदला जा सके, तभी तो धातुओं की चादरें बनाई जाती हैं। और तन्यता यानी जिन्हें तारों में बदला जा सके। इस गीत की शुरुआत हमने की चारों ओर देखने से। तो क्यों नहीं आप अपने चारों ओर विद्यमान धातुओं को देखें और उन्हें पहचानने की कोशिश करें। साथियों, अभी आपने ये गीत सुना, तो क्या आपका मन नहीं करता कि ऐसा कुछ आप भी लिखें और उसे गुनगुनाएं? तो उठाइए अपनी कलम और लिख डालिए एक अच्छा सा प्यारा सा विज्ञान गीत। धातुओं से पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये गीत। विषय संयोजन एवं आलेख डॉक्टर रुचि वर्मा। संगीत हरभजन सिंह। गायन स्वर रुचि वर्मा, अनुजा विसारिया, विनीत और बच्चे। ध्वन्यांकन बटी लैंगडिंगडो। निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल। निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया गया।